सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने इससे पहले देखा होगा, भाई हमने करा था सोलो ग्रैनी एंड सोलो ग्रैंडपा। भाई बहुत बार खेल रखे हैं हमने, मतलब खेल लिया बहुत बार। तो भाई आज हम करेंगे यही चीज टाइनी ग्रैनी के साथ। तो भाई ग्रैनी को अकेले, ग्रैनी तो अकेले, भाई चैप्टर वन तो अकेली है वो। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भाई, जो उसका बत्ती होती है ना, पार्टी मोड होता है, हम उसको अनेबल कर देंगे, जिससे ना भाई ग्रैनी है ना वो फ्लिकर करेगी, चमकेगी, समझ रहे हो। तो भाई उससे और ज़्यादा मजा आएगा। एंड भाई उससे आज हम करके दिखाएंगे आपको कार एस्केप। तो चलो भाई चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। और भाई मैं किसी भी हैक का यूज़ नहीं करने वाला, किसी भी हैक का। भाई थोड़ा नॉर्मल खेलने की भी आदत होनी चाहिए ना। पार्टी मोड कर दिया ऑन। एंड जो साइज है 2 3 4 5, मतलब पूरा आधा कर दिया, ठीक है। अब आप देख लेना, ग्रैनी आपको मिल जाएगी कभी भी देखने को, ठीक है। एंड भाई इससे पता है मेरी ही डिफ़िकल्टी बढ़ी है, क्योंकि ग्रैनी को देखो शूट करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या है सीन। और भाई लो, अरे भाई देख लिया, यहां से आए, प्लायर लेता हूं, प्लायर है ना, अभी जाता हूं ऊपर, इसको यहीं गिरा देता हूं। देख ले, देख ले, देख ले, ग्रैनी ने मुझे देख लिया। ओ भाई आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओ रे निकल लिया भाई, तो निकल लिया भाई, मैं निकल लिया गाइस। ये क्या था, स्पार्कलेक्स, स्पार्कलेक्स, स्पार्कलेक्स। एंड भाई छोटी जरूर है बट वीक मत समझ रहे इसे, उतना ही बल्ला देते खिंचा के एकदम भाई माथे पे। चलो गाइस, अभी ना मेरे को मतलब कार के आते ही 2 आइटम मिल चुके हैं, अभी 2 मिनट भी नो मेरे को आए और भाई 2 आइटम मेरे को मिल चुके हैं। तो और भाई 3 आइटम मिल चुके हैं, देखो कार फ्यूल, कार का वो भी मिल चुका है मेरे को फ्यूल। एंड यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ मैं बाकी। हाँ यहाँ पे कुछ, यहाँ ढंग का है, ये शॉटगन का पार्ट है एक। वो आ गई। एंड भाई 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 एक काम करता हूँ, रुको मैं ना इसको पहले अच्छे से यहाँ बुला लेता हूँ साउंड करके, ताकि मेरे को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ना ही मुझे किसी चीज़ का डर हो। तेरा दरवाज़ा भी उखाड़ दूंगा, ले अब आ जा। भाई छोटी ज़रूर है बट इसको कमज़ोर अभी मैं कह रहा हूँ मत समझना। भाई इसका ट्रैप भी, का ट्रैप का साइज़ भी बहुत बड़ा है, क्या पता आपको लगेगा भाई ट्रैप भी छोटा ही बिछाती होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है स्पेशल की, जब आया हूँ तो चलो भाई लगा के जाऊँगा और क्या, क्योंकि भाई मुझे बाद में ले जाना है इसको, तो मैं अभी क्यों ले जाऊँ भाई सबसे बढ़िया। चलो भाई चलो चलो चलो, यहाँ पर आ गया मैं। इसको यहीं छोड़ देता हूँ भाई, मैं अभी निकलता हूँ सीधा। चलो 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 चलो, बस अभी देखते हैं क्या ये चीज़ वर्क करती है छोटी ग्रैनी के साथ। बड़ी ग्रैनी के साथ हमने हज़ार बार कर रखा है, बट छोटी के साथ नहीं करा। तो देखते हैं भाई साहब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि होगा ये ट्रिक, क्योंकि छोटी है ना, तो छोटी ग्रैनी का मुँह जब लेफ्ट या राइट करेगी ना तो इतना वो नहीं रहेगा शायद, या हो सकता है। ओ गाइस हो गया, हो गया, हो गया भाई, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ अभी, बस बचता रहेगा वो। तब तक भाई ग्रैनी का जो माइंड है वो कहीं और ही रहेगा, मेरे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा जहाँ तक है। ओ भाई लो मीट भी मिल चुका है, अब क्या ही चाहिए गाइस। अरे भाई शॉटगन का दूसरा भी पार्ट यहाँ रेडी है, मैंने मीट यहाँ फेंक दिया है। निकल लो भाई, भाई भाई मैं ना इतना पागल वाला बेवकूफ़ी वाला काम करता हूँ, मैं पता है बहुत बार मैंने खुद नोटिस करा है भाई, मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले लेता हूँ जैसे कहते हैं ना, मतलब रिस्क एक तरफ हो गया भाई, मैं ओवर ले लेता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा नहीं कहते जैसे, वो आ रहा भाई मेरे साथ हादसा। ओ भाई 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 यही 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 है, ये मुझे देख सकते कभी भी। यहाँ पे कुछ है क्या, चलो भाई इसको ले लो, निकल लो अब जरा नीचे। ओके यहाँ लगा दिया से। एंड जो लास्ट पार्ट है वो लग रहा है पता नहीं थोड़ा सा ट्रिकी जगह पे, कोई ट्रिकी जगह है, बाकी देखते हैं अभी यार मिल जाएगा, इतना भी वो नहीं है मुश्किल।
यहाँ पे आ गए। चलो भाई आ मचियो अभी अभी मत आ जाओ भाई, क्या पता झटका देते अचानक से। तो एक सेकंड सोच रहा हूँ भाई, मेरे पास जब अभी ग्राइंड नीचे जाएगी ना, तो सोच रहा हूँ मीट है ना, जो मीट वाला काम भी कर ही देता हूँ अभी ही कर देता हूँ भाई, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना इस गेम में, ठीक है। चलो भाई गाइस गई वो, चलो 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 चलो, पहले यहाँ देखता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या पता कुछ मिल जाए अच्छा सा आइटम। नहीं मिलने वाला भाई, अभी किस्मत अपनी चली नहीं है। बट यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे क्या है ये गाइस, इतना बड़ा ट्रैप भाई। ट्रैप का भी अपने साइज देख लिया होगा, आपको लग रहा होगा कि ट्रैप भी छोटा है, तो ऐसा नहीं है। एंड भाई साहब लो, यहाँ पे भी अपने काम, अपनी जो चीज़ें हैं ना, वो काम कर चुकी है यहाँ पे भी। मैं अरे पता है भाई मुझे, मे आई कैन यूज़ दिस प्लैंक भाई, मैं हज़ारों बार कर रखा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि भाई हम और भाई रेंच लो भाई साहब, मिल गया रेंच भी यहाँ पे अपने को। बस मैं इस वाले आइटम को ना नीचे अच्छे से फेंक दूँ सक्सेसफुली, तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अरे वाह, बट उससे भी पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है क्या, कॉगवील किस चीज़, मतलब कॉगवील तो प्ले हाउस में काम आएगी, बट निकलेगा क्या उसमें से, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो भाई सेफ की भी हो चुकी है अभी तो। अभी आ ही रही है भाई ये, अभी भी आ ही रही है बुड्ढी, बट कोई बात नहीं भाई, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा फालतू में ओवर, क्योंकि भाई जितनी छोटी है ना, इसके लिए प्लैंक एक तरीके से रोड है, एंड भाई मेरे लिए पतला से डंडा। चलो गाइस बाय बाय। ओह शिट, अरे नहीं यानी ये एक्टिव नहीं है। वाओ बहुत अच्छे, मतलब सही है यार एकदम, मतलब अरे ओरे भाई 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 सही है, देख रहे हो तारीफ़ कर रहा था इस बुढ़ी ने ना कार की, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। यहाँ से मुझे मिली गाड़ी की चाबी, यहाँ पे हम मास्टर की, जो कि अभी तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। हाँ बाकी का मैं इसमें फ्यूल भर सकता हूँ, इतना तो है काम, बट ग्रैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं फ्यूल भी भर रहा हूँ। रुक जाओ इधर आ, चलो अब भरेगा अच्छे से। ऑलराइट थोड़ा सा और भर दे, वो पीछे से डंडा ना जाए छोटा सा यार। चलो भाई ये कार की डिक्की का काम पूरा डन हो चुका है, एंड जो फ्रंट साइड है उसमें बस मेरे को चीज़, देखो मेरे को रेंच भी मिल गया था ना, रेंच भी मिल चुका है, बस मेरे को चाहिए इंजन पार्ट एंड ये चाहिए पैडलॉक की, बस फिर हमारा एस्केप हो जाएगा। अरे भाई 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 देख रहे हो भाई, मैं डर गया देख के चाणक से इसको। अरे भाई एक और ट्रैप है, यहाँ से निकलना ही बेहतर है, सबसे बढ़िया यहाँ से निकल लो यार। मेरे को अब तक ना वेपन नहीं मिला कोई भी, एक सेकेंड गाइस यहाँ पे कुछ हो सकता है वेपन, रुको वेपन की बात है तो यहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं शायद, या तो इसके अंदर नहीं है यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर वाले में, पक्का शर्त वहाँ तो मिलना ही चाहिए भाई, अगर यहाँ नहीं मिलता तो उम्मीद छोड़ दूंगा मैं। ओरे भाई लो मिल गया वाह, देख लिया गाइस, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस गेम का। हाँ ये थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लग जाता है इसमें, बट लगा लो कोई नहीं, आप ही का फायदा है। चलो 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 भाई जल्दी जल्दी यार, ट्रैप देख लीजिए, ट्रैप ओ भाई दो दो ट्रैप है, मुझे लगा यार ट्रैप साइड में गिर गया, बट ऐसा है नहीं भाई, यहाँ अलग ही चल रहे हैं चीज़ें। चलो भाई यहाँ पे आते हैं एंड बस यार ये साउंड ना हो जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको गिराओ, बहुत बढ़िया ये ट्रैप में गिरा दिया मैंने। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अरे भाई इंजन पार्ट गाइस हो गया, मतलब मेरा एस्केप समझ लो हो ही गया। अब तो भाई मेरे को एस्केप करने से ये बुढ़ी रोक ही नहीं सकती। हाँ अगर उसमें से पैडलॉक ही नहीं निकलता तो दिक्कत हो जाएगी भले ही। अरे भाई नहीं, मैं इतना परफेक्ट भी नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरे पे भर भर के एमो है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चल निकल ले भैया, हमने इसका भी काम तमाम कर दिया यहाँ पे पूरा। चलते हैं एंड यहाँ पे भी ट्रैप है भाई, तो मैं इधर से जाना पसंद करूँगा ज़्यादातर,
यहाँ चलते हैं, यहाँ चलो 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 भाई, ये लगा दिया। अब बस वो मिल गया मेरे को रेंच जो कि ऊपर ही है। उसके बाद मेरे को भाई ढूंढना है वो यार मेरा क्या होता है पैडलॉक की। तो पैडलॉक की के लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकती है बट इतनी भी नहीं, मुझे लग रहा है यहीं से मेरे को मिल जाएगी जहाँ तक है। चांसेस तो होने चाहिए भाई यहीं पर, यहीं से। चलो 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 बस मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर मज़ा आ जाएगा भाई साहब। पैडलॉक की, पैडलॉक की, और गाइस पैडलॉक की, पैडलॉक की, वाओ। अरे यार उठ जा, हाथ में ज़्यादा भाव नहीं खा रही अभी पैडलॉक की। गाइस चलो निकल लो भाई, सबसे जल्दी हो गया वाला हमारा स्केप। नॉर्मली देखा जाए तो भाई बहुत जल्दी हो गया नॉर्मल से। हाँ एक बार मैंने 7 मिनट में स्केप हुआ था, वो वीडियो मैंने डाल रखी है। चलो 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 भाई, पहले तो मेरे को आधा घंटा लग गया था समझने में इस गेम को कि भाई है क्या इस गेम में, ऐसा क्या करना क्या ही यूज़ अपने को, ये होता था भाई मेरे साथ। बट फिर धीरे धीरे खेलता रहा तो भाई समझ गया। एक सेकंड हुई भाई, भाई भाई कार की, अच्छा यही है ना कार की, ठीक है उठ जाएगी उठ जाएगी। चलता हूँ भी पहले फिलहाल मैं ऊपर रेंच लेकर आता हूँ और फिर काम करूँगा मैं रेंच का। ये लगा इस रेंच भाई, दिख भी नहीं रहा पूरा कैमोफ्लाज हो रखा है ये, बट भाई जो शाइनी जैसे शाइन मारता है ना उसके चक्कर में मुझे पता चला, वरना तो भाई मैं ढूंढता रहता था पागलों की तरह। बट कोई बात नहीं भाई, अभी हम पूरा का पूरा हमने काम डन कर रखा है यहाँ पे। ओके चलो गाइस चलते हैं इधर एंड यहाँ से लेता हूँ कार की। हियर वी गो, ऑलराइट गाइस मैंने फाइनली आपको करके दिखा दिया टाइनी ग्राइनी का कार एस्केप, टाइनी फ्लिकर ग्राइनी का कार एस्केप। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और हाँ कमेंट में मुझे बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। वैसे मैं कमेंट करने के लिए बोलता नहीं बट करना है कर दो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।